दोस्तों, इस वीडियो में हम पूछेंगे जीके का 5 बड़े हिम्मेदार सवाल और उसका जवाब भी बताएंगे। सोचने के लिए मिलेगा आपको 5 ही सेकंड। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा जानकारी हमेशा पाना है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अभी और इसी वक्त। दोस्तों, सवाल नंबर 1, केला खाने से कौन बीमारी नहीं होती है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। दोस्तों, इसका सही आंसर है कैंसर की बीमारी कभी नहीं होती है केला की सब्ज़ी खाने से। कच्चा केला वो भी होना चाहिए। कच्चा केला की सब्ज़ी जो लोग खाते हैं उनको कैंसर की बीमारी भयंकर से भयंकर नहीं होती है दोस्तों, इसीलिए खून में कैंसर नहीं होता है। सवाल नंबर 2, बैगन किसको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, बैगन का सब्ज़ी से क्या क्या हानि होती है? नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अच्छा जानकारी पाने के लिए। दोस्तों, इसका सही आंसर है दाद खाज खुजली वाले को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दाद खाज खुजली की बीमारी जब पकड़ लेता है तो वो छूट नहीं पाता है दोस्तों। इसलिए कभी बैगन खाना है तो गोल वाला बैगन खा सकते हैं आप, उससे कोई बीमारी नहीं होती है, और दाद खाज खुजली है तो वो भी नहीं खाइए। सवाल नंबर 3, नीम का पत्ती सुबह के समय में चबा चबा कर खाने से क्या फ़ायदा मिलती है हम लोगों के शरीर में? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर करें। दोस्तों, इसका सही आंसर है पेट में कीड़ा नहीं पड़ता है, इसीलिए दोस्तों नीम की पत्ती को चबा चबा करके सुबह के समय में खा लें, और ऊपर से गुनगुना अगर पानी पीते हैं तो और फायदा करेगा, लेकिन ठंडा पानी ताज़ा मिले तो पी सकते हैं दोस्तों, पेट के कीड़ा सभी नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 4, भूटा खाने से पहले क्या करना चाहिए हम लोग को? भूटा जो होता है बाल, उसको खाने से पहले क्या करना चाहिए हम लोग को? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इसका सही आंसर है नींबू नमक जरूर मिलाना चाहिए उसमें ऊपर से, उसके बाद में उसको खाना चाहिए, पेट खराब नहीं होता है, और 1-2 से ज़्यादा न खाएं, क्योंकि 1-2 से ज़्यादा खाने पर पेट खराब होने की संभावना बना रहता है। सवाल नंबर 5, दही खाने से कौन बीमारी नहीं होती है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए दोस्तों, की अच्छा जानकारी आपके पास में मिलती रहे। दोस्तों, इसका सही आंसर है बवासीर की नामो निशान तक दोस्तों मिट जाती है दही खाने से। दही में अगर आंवला का चूर्ण अगर डाल देते हैं, सूखा आंवला का चूर्ण, तो और फायदा करेगा। थैंक यू दोस्तों, बने रहें, मस्त रहें, खुश रहें।